लोकसभा सीट की जीत के बाद कांग्रेस के श्री राधा कृष्णा डोडेमणि ने शरण बसवेश्वरा टेंपल विजिट किया और पूज्य डॉक्टर शरण बसप्पा अप्पा जी से मुलाकात की और उसके बाद वो पहुंचे ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के लिए, जहां पर उन्होंने मुलाकात की डॉक्टर सैयद खुसरो हुसैनी साहब से। इस मौके पर कांग्रेस लीडर डॉक्टर सैयद मुस्तफा हुसैनी साहब ने श्री राधा कृष्णा डोडेमणि को उनकी जीत के लिए फेलिसिटेट कर मुबारकबाद दी। आज राधा कृष्णा साहब की जीत हुई है 27,000 से ज़्यादा वोटों से। आज गुलबर्ग में बड़ी खुशी की लहर है। उनकी जीत के बाद सर्टिफिकेट लेते ही वो शरण बसवेश्वर अप्पा टेम्पल और ख्वाजा बंदे नवाज के बारगाह पर आए हैं और उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको रास्ता बताए ताकि वो लोगों के लिए गुलबर्ग के आवाम के लिए खिदमत कर सके। आज और बीजेपी के लिए जो मुसीबत का ये सामना है, 40 में वो अकेले तो सरकार बना नहीं सकते, अगर वो मिलजुल कर बनाने की कोशिश करेंगे तो अभी ऊपर धरने साहब क्या करते हैं आगे देखना बहुत बाकी। बाबा, कर्नाटक में 5 से 6 जगह सीट्स ऐसे आए हैं जो ज़्यादा लूट से आए हैं, यानी एक मिसाल कायम की उन्होंने इलेक्शन में क्या कहा। हमारे लिए खड़गे साहब का जो इलाका है, जो हैदराबाद कर्नाटक के लिए उन्होंने जितना किया है काम, वो पूरे सीटें गुलबर्गा को मिलाकर कांग्रेस को मिले हैं, उसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम कांग्रेस की टीम मुबारकबाद। आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? गुलबर्गा नॉर्थ से और कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से काफ़ी अच्छी लीड हासिल हुई है। गुलबर्गा नॉर्थ के खास तौर से मैं तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वोटर की जो मैडम की लीडरशिप में बाहर निकल कर वोट किए हैं, पूरी कांग्रेस की टीम, वर्कर्स से लेकर बूथ पे जो जो लोग रहे, सबको मुबारकबाद और सबकी मेहनत का नतीजा ये आपके सामने।